देश में लगातार रेलवे के नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है या नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ट्रेन के कोच में अत्याधुनिक सुविधाएं, नए कोच, तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करने पर रेलवे जोर दे रही है। ऐसे में अब रेलवे एक और तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है जिससे रेलवे को फायदा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही आपकी आवश्यकता भी रेलवे पूरी करेगी। भारतीय रेलवे अब एक ऐसी तकनीक पर काम करने जा रही है जिससे रेलवे की सूरत बदलने वाली है। ये तकनीक ट्रेनों से पावर कार जनरेटर हटाएगी। इससे भविष्य में यात्रियों को प्रतिदिन 5 लाख से अधिक अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम होगा। वहीं ईंधन में भी 600 करोड़ रुपए सालाना की बचत होगी। इस तकनीक से पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। LHB कोच में होटल लोड जनरेशन यानी कि HOG सिस्टम लागू होने से ट्रेन के इंजन से विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। इस विद्युत आपूर्ति से कोच में AC, लाइट व अन्य उपकरण चलाए जा सकेंगे। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति के लिए ट्रेन से आगे पीछे 2 पावर कार जनरेटर लगाए जाते हैं। इसके HOG वाले पावर जनरेटर हटाकर यात्रियों की मांग के अनुसार AC 2 और AC 3 के कोच जोड़ दिए जाएंगे। अधिक बर्थ जुड़ने से रेलवे की कमाई बढ़ेगी और डीजल के खर्च को रोकने पर रेलवे को करीब 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन अब लोगों को टिकट मिलने में भी आसानी होगी। जनरेटरों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने LHB कोच को जर्क फ्री बनाने के बाद HOG युक्त बनाने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि सभी LHB में अक्टूबर तक HOG तकनीक लगा दी जाएगी। काफी समय से इस तकनीक को लगाने के लिए परीक्षण किया जा रहा था। परीक्षण सफल होने के बाद LHB कोचों को HOG युक्त किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करती है HOG तकनीक। दरअसल ट्रेन के इलेक्ट्रॉनिक इंजनों में 3 ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि ओवरहेड बिजली के तार से बिजली लेकर इंजन के मोटरों को चलाते हैं। इंजन को चलाने के लिए 2 ट्रांसफार्मर प्राप्त हैं, जबकि तीसरा ट्रांसफार्मर अतिरिक्त होता है। HOG तकनीक में इंजन में लगे स्विच व केबल की मदद से ट्रेन में बिजली सप्लाई की जा सकती है। इससे इंजन की बिजली से ही ट्रेन में AC व रोशनी का इंतजाम हो सकेगा। कुछ अन्य ट्रेनों में भी यह तकनीक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है। सफलता मिलने के बाद अब सभी LHB कोच में लगाया जाएगा। प्रयोग के तौर पर लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में कई साल से HOG तकनीक काम कर रहा है। हालांकि ट्रेन में पावर कार जनरेटर लगे हैं, लेकिन उन्हें चालू नहीं किया जाता है। उम्मीद तो यही है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से यकीनन भारतीय रेल के साथ साथ आम लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा।